हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विद राज। हम सब कुछ ना कुछ प्रेशर की वजह से, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेजेस हो या कुछ भी, जैसे तैसे उठ तो जाते हैं पर फिर लेजी फील करते हैं पूरे दिन। मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा जिसने मेरी मदद की और बहुत अच्छे से की, तो इनको गौर से सुनना। ये आपकी लाइफ में ज़रूर काम करेंगे अगर आप लेजी फील करते हो उठने के साथ ही। द फर्स्ट वन इज़, नेवर रश द प्रोसेस ऑफ वेकिंग अप। हम क्या करते हैं, जैसे ही सुबह हमारा अलार्म बजता है, 8, 8:30, 9, जो भी टाइम रखा हो, फटाफट पहले फ़ोन चेक करते हैं या फटाफट भाग के देखते हैं किचन में क्या बना है। उठने का प्रोसेस कभी भी ऐसा नहीं होता है। इमेजिन करो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप रात में सोने जाते हो, क्या ऐसा होता है बेड पे गए और सो गए? नो, आप सोते हो, आपके नर्व काम डाउन होते हैं, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होता है, आप अच्छा फील करते हो, आप एक फेज में चले जाते हो और स्लोली स्लोली आप सो जाते हो। ऐसे ही उठने का प्रोसेस है। जब भी उठो, मैं क्या करता हूँ वही करो, चुपचाप हल्का गर्म पानी, जिसको ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं, उसके अंदर नींबू डाल लो और लेकर उसको चाय की तरह बैठ कर 10 मिनट बस सिप करो। 5 से 10 मिनट सिर्फ सिपिंग, कुछ नहीं सोचना, क्योंकि उठने के प्रोसेस को अगर आपने इजी बना दिया, अगर आप धीरे 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 उठते हो तो आपको उठना भी अच्छा लगेगा। उठो बेड से, कोई भी बॉयलर है, गैस है, आराम से लेकर आओ, बैठो और बस विजुअलाइज करो अपने दिन के बारे में। वाह, मैं आज कितने लोगों से मिलूंगा, आज का दिन मेरा कितना अच्छा होगा, आज ये कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को अफर्म करो, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, मतलब ऐसा करो कि आप उठने के प्रोसेस को इजी रखो। फिर ब्रेन के अंदर क्या होगा, जैसे आप वाटर दोगे, क्योंकि बॉडी डिप्लीटेड होती है रात भर, तो अगर आप उसको पानी भी देते हो तो अच्छा फील होता है और आप धीरे धीरे अच्छे से उठ जाते हो। दूसरा, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उठते ही फ़ोन हाथ में मत लेना, वरना पता चला कब पहला रील या पहला शॉर्ट्स 100वां रील बन जाएगा और आप पूरे दिन थका थका फील करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने शादी की पिक्चर डाली है, किसी ने, या कोई ट्रैवल करने गोवा चला गया है, कुछ भी हो, बस शुरू के 1-2 घंटे प्लीज़ अपने साथ ही वक्त बिताइए। मैं बता रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस, 4 साल की एक्सपीरियंस से, सुबह का 1 से 2 घंटा अगर आप अपने पास कंट्रोल कर सकते हो, पूरा दिन आपके कंट्रोल में होता है। नेवर एवर गिव पावर टू समवन एल्स टू कंट्रोल योर डे, प्लीज़ कंट्रोल योर मॉर्निंग एंड रेस्ट डे विल बी कंट्रोल बाय ऑटोमेटिकली। ठीक है, द थर्ड वन इज़ दैट, जो मैं डेली करता हूँ, आपके बाथरूम में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, कहीं या डाइनिंग रूम में एक मिरर होगा, बड़ा सा मिरर, उसके पास आपको खड़ा होना है, सीना तान कर, दोनों हाथों को कमर पे रख कर, और ये बोलना है जो मैं बोलने वाला हूँ। प्लीज़ बोले, हर दिन पे बोले, और आप देखोगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल रही है। आप बोलोगे, दुनिया में कुछ भी होता है, दुनिया में कुछ भी, कैसे भी लोग होते हैं, I am the best, और पावर के साथ बोलना है, आई एम द बेस्ट, ऐसा पावर करके, आई एम द बेस्ट। और जैसे ही आप बोलोगे, आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होगा। इवन मैं अभी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मुझे फिर से एनर्जी फील हो रही है। एक बार बोल के देखो, आप एक अलग फील करोगे। बेसिकली ये लाइन मैंने लिया है स्टोइक फिलोसफी से, जो बोलते हैं कि जो इंसान अपने दिन को कंट्रोल कर सकता है, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो आप बोल रहे हो, आई एम द बेस्ट एंड आई कंट्रोल द डे, आई एम द बेस्ट एंड आई कंट्रोल द डे, इससे आप पूरे दिन का कमांड लेते हो। प्लीज़ हर दिन एक रिचुअल बना लो, धर्म की तरह सुबह उठकर 5 बार बोलना, आप देखना आपकी एनर्जी कैसे होती है। इसके साथ आप कुछ और अफर्मेशन भी कर सकते हो, जैसे कि आई हैव द बेस्ट फैमिली, आई हैव द बेस्ट लाइफ, आई हैव द बेस्ट जॉब, आई हैव द बेस्ट नॉलेज, आई हैव द बेस्ट एजुकेशन, मेरे पास सब कुछ है जो होना चाहिए, थैंक यू सो मच गॉड, और जो चीज़ें नहीं है उसके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा गॉड, मुझे बस आप सपोर्ट करना। इस तरह बोल के अपने दिन को शुरुआत करें। तो ये थे ट्रिक्स, आपके बहुत काम आएंगे, छोटा है पर काम के हैं, सेव कर लो, बाद में सुन लेना और शेयर करके सबको बता भी सकते हो। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, लाइफ चेंजिंग लगते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि अगर अगली बार ऐसा कोई वीडियो या पॉडकास्ट आए आप मिस ना करो। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप के साथ, तब तक के लिए लॉगिंग आउट।